वैसे तो हम कई कलाकारों की बहुत सारी बातें जानते होते हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जब तक हम उनके जीवन के अंदर की बातें जाने नहीं तब तक हमें पता नहीं चलता है किस कलाकार ने क्या किया है और क्या नहीं। अब देखिए, जैसे कि इकबाल खान, ये हम जानते हैं कि वो कश्मीर से हैं और उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, सीरियल में भी काम किया, लेकिन वो इस मुकाम तक कैसे पहुँचे, उसके लिए क्या क्या करना पड़ा, क्या उनकी लाइफ में कोई स्ट्रगल था कि नहीं, ये सब कुछ पता चलेगा, क्योंकि आज हम आपको दिखा रहे हैं इकबाल खान की बायोग्राफी। मोहम्मद इकबाल खान कश्मीर से आए थे मुंबई फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने, और टीवी सीरियल कैसा ये प्यार है कि अंगद के किरदार ने उन्हें घर घर तक पहुंचा दिया। हालांकि उससे पहले वो 3 फिल्में कर चुके थे, कुछ दिल ने कहा, फंटूश और बुलेट एक धमाका, मगर असली धमाका तो अंगद ने ही किया और इकबाल खान हो गए फेमस कलाकार। बिल्कुल बिल्कुल बोश, मेरा पहला जो शो था टेलीविजन का कैसा है प्यार है, उस टाइम पहली बात तो उस टाइम आया जिस टाइम टीवी बूम पे था, जिस टाइम सब लोग टीवी देखते थे, डिवाइडेड ऑडियंस नहीं थी, और वो शो भी उस टाइम बड़ा अलग सा था क्योंकि उन दिनों सास बहू का एक ट्रेंड था और ये सास बहू टिपिकल सास बहू शो नहीं था, ये थोड़ा एक यूथ के लिए था, उन दिनों यूथ के लिए ज़्यादा शो नहीं था कोई, तो उसमें रॉक स्टार था एक, उसमें एक लड़की थी जो रॉक स्टार से प्यार करती है, वो तो एक थोड़ा सा एक बहुत ज़्यादा बड़ा एक्सपेरिमेंट नहीं लेकिन एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट था जो वर्क कर गया उस टाइम। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की तरफ रुख बदला था बहुत पहले। मैं स्कूल में था, मैंने एक एनएसडी के साथ प्ले किया था, अरुणा आहलूवालिया जो मेन डायरेक्टर थी वहाँ पे, उस इंग्लिश प्ले की, जय मृत्युंजय करंद सन ऑफ सूर्य, मैं तब सनार में था स्कूल में, और इंदु वर्मा और बाकी उनकी टीम, तो उन लोगों ने एक प्ले किया था। उस टाइम मुझे लगा कि नहीं कुछ करना चाहिए इसी फील्ड में, तो फिर मैं दिल्ली में जब कॉलेज करने गया तो मैं तो मॉडलिंग वगैरह करता था, और फिर दिल्ली में मैंने रियलाइज़ किया कि यहाँ पे उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता था, बॉम्बे में ही जाके अभी कुछ करना है, तो फिर यहाँ पे आके शिफ्ट हुआ, और आते ही बहुत सारे म्यूज़िक वीडियोज़ मिल गए और थोड़ा बहुत वो हो गया। इकबाल फेमस हुए मगर उससे पहले उनकी लाइफ में एक ऐसा समय भी आया था जब उनके पास न काम था न पैसा, मगर कभी ना हिम्मत हारे और ना फैमिली मेंबर्स से मदद मांगी। हाँ, एक्टर सचिन खुराना जैसे कुछ दोस्त थे जो मुश्किल समय में उनके असली मददगार साबित हुए। मैं बॉम्बे आया था अपने मेरे फैमिली का सपोर्ट था मेरे साथ, लेकिन मैं अपने डिसीजन से आया था, मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ था, मैं माँ बाप की दुआएं मेरे साथ थी, तो वो फेज़ मैंने ज़्यादा कभी अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस नहीं किया। वो एक बार जब वो गुजर गया फेज़, तो फिर मैं अभी हम कभी मजाक करते हैं तो मैं बोलता हूँ मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, उस टाइम नहीं डिस्कस किया था क्योंकि उन दिनों मुंबई में था मैं, और जब मैं जब पेरेंट्स को मिलना होता था तो मैं कश्मीर चला जाता था मुझे, तो मुझे ऐसा लगता था उनको मुझे परेशान नहीं करना चाहिए। इकबाल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी, फिर फाल्गुनी पाठक के इंद्रणा विणवा वाले वीडियो सॉन्ग में वो नजर आए, और उसी गाने की शूटिंग के दौरान उनकी मुलाकात स्नेहा छाबरा से हुई जो उनकी जीवन साथी बनी, जिनसे इकबाल की एक बेटी अमारा भी है। हाँ जी बिल्कुल, नहीं वो तो मैंने वो मैं तब मैं कॉलेज में था जब मैंने म्यूजिक वीडियो किया था, तो उस टाइम तो मैं ही कोई 18 साल का था, तो स्नेहा तो शायद 15 साल की होती, तो हमने म्यूजिक वीडियो शूट किया था एक रामू जराम में, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी कुछ ऐसी कुछ शादी वादी होगी, तो लेकिन बाद में हम जब दोबारा मिले तो बॉम्बे आके तो तब थिंग्स हैपेंड। इकबाल ने 4 फिल्में, 18 सीरियल्स और एक रियलिटी कार्यक्रम खतरों के खिलाड़ी में काम किया, और अब तो वेब सीरीज में भी काम कर रहे हैं जो उन्हें एक अभिनेता होने का संतोष देती है। वेब करने में बहुत मजा आता है, मतलब एक एक्टर के लिए फ्यूल है वेब, क्योंकि कंप्लीट क्रिएटिव फ्रीडम होती है,
कंप्लीट। और एक अच्छी चीज़ जो वेब के साथ जुड़ी ये है कि जितनी परफॉर्मेंस नेचुरल हो उतना बढ़िया होता है। इकबाल का सफरनामा बहुत रोचक है और ये सफरनामा अभी जारी है। अपूर्व लाखिया के एक और वेब सीरीज में वो बहुत जल्द नजर आने वाले हैं। मुंबई से निशी मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।